हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज हिरेन फ्रॉम dkaptech.com। और गाइस, आज का जो एपिसोड है वो कैनन यूजर्स के लिए है। क्या होता है कि बाय चांस गलती से आपकी रॉ फाइल सेलेक्टेड हो जाती है, इमेज ऑप्शन जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि कैसी क्वालिटी होनी चाहिए इमेज की, मीडियम होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, तो गलती से रॉ आपकी सेलेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आप इमेज का ना तो प्रीव्यू देख पाते हैं, आप कैमरे में तो देख लेंगे लेकिन अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं मोबाइल में या फिर इस तरीके से तो नहीं देख पाते हैं। तो .cr2 को हम JPEG में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज का लेसन इसी पे होने वाला है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, दोनों इमेज को सेलेक्ट करता हूँ और दोनों को फोटोशॉप पर ओपन करता हूँ। यस, यहाँ पर मैं आया और फोटोशॉप पर दोनों को ओपन करता हूँ। तो वन बाई वन आपको कैमरा रॉ जो होता है तो उस पर ऐसे ओके करके ओपन हो जाएंगे। आपको कुछ चेंजेस करने हैं फोटो में, कलर वगैरह का वो आप कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, इसका एक्सपोजर कैसा होना है, हाइलाइट्स कैसा होना चाहिए, शेडोज कैसे होने चाहिए, सारी सेटिंग्स करने के बाद में आपको यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट बॉटम में आपको मिल जाता है सेव इमेज का ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ से इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर लो कि आपको इसको सेव कहाँ पर करना है। तो फिलहाल गाइज मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ और डेस्कटॉप पर वृंदावन नाम के फोल्डर में इसको 01 करके सेव कर देता हूँ। ओके, जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है तो भैया वृंदावन। ओके, पहले फोल्डर सेलेक्ट करना है यहाँ पे और फिर इसका नाम यहाँ पे दे देना है 01। और यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन ऑलरेडी चेंज है, ये JPEG है, ये आप और किसी में करना चाहते हो, PNG में करना चाहते हो, TIF में करना चाहते हो, PSD में करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो JPEG मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई रखना है, मैक्सिमम रखना है, जो भी आपको रखना है वो यहाँ से करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे हाई कर देता हूँ और हाई करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको डन यहाँ से कर दूंगा। तो नेक्स्ट वाली इमेज होगी वो भी मेरी ओपन हो जाएगी। ओके, अब ये नेक्स्ट वाली भी आ गई है और इसको भी यही काम करना है, मैं जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस कर देने हैं और सेव इमेज पे जाना है, फिर से वही काम करना है। इसको 02 सेव करता हूँ और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है ही, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको भी डन कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी मैं फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि ये .jpg1 और 02.jpg आ चुकी हैं। अब इनको आप प्रीव्यू देख सकते हो। अभी देखिए, ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि यार फोटोशॉप पे कर दे, बाई चांस आपको ये ना पता होता तो आप खुद परेशान होते हैं और आप परेशान हो गए होंगे तभी आप इस वीडियो पे आए हुए हैं। देखिए .cr2 इस तरीके से JPEG में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर ना अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अभी तक dkwebtech को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।